उत्तर प्रदेशच्या हपूरमध्ये हरियाली तीज हा उत्सव साजरा करण्यात आला. हा उत्सव खास महिलांसाठी आहे. या उत्सवात महिला मेहंदीपासून झोका खेळण्यापर्यंतचा आनंद घेतात. हपूर इथं देखील हरियाली तीज हा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. उत्साहात महिलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. सध्या श्रावण महिना सुरू आहे, त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये श्रावणातले विविध सण साजरे केले जातात. त्यातीलच हरियाली तीज हा एक उत्सव खास पद्धतीनं साजरा केला जातो. तर उत्तर प्रदेशमध्ये या सणानिमित्त महिला वर्गामध्ये मोठा उत्साह दिसून येतो. आज हरियाली तीज या सणाच्या निमित्तानं महिलांनी बाजारपेठेत देखील मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. तर या महिला हातावरती मेहंदी काढतात, तसंच झोका खेळत या तीज निमित्तानं पारंपरिक गाणी म्हणत हा उत्साह मोठ्या आनंदानं साजरा करतात. हमने बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पे. मेहंदी कॉम्पिटिशन भी अरेंज हुआ था और मैंने पार्टिसिपेट भी किया और गुड लक से कि मेरा सेकंड प्राइज भी मैंने विन किया है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं जब से यहाँ पर आए हैं. छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जिनके साथ में तीज के फेस्टिवल को इन्जॉय करने का मौका मिला. बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं यहाँ पर. सॉन्ग्स मतलब उस रिलेटेड करे गए, तीज से रिलेटेड. आज के टाइम पर फेस्टिवल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, बट स्कूल के थ्रू हमें सब कुछ दोबारा से एक चीज़ इन्जॉय करने का मौका मिला है. बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को एंजॉय करा रहे हैं. बहुत अच्छी चीज़ है ये. हमने यहाँ पर जो आज तीज फेस्टिवल किया है वो गर्ल्स को हमारे कल्चर और उनके अंदर संस्कार भरने के लिए कि हाँ उन्हें अपने भारतीय कल्चर के बारे में पता चले, हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, हम कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, प्लस उसमें क्या क्या करते हैं. तो उन सभी जो हम अपने घरों में करते हैं वही सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक प्रतियोगिता एक कॉम्पिटिशन के रूप में आयोजित किया है, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, कुछ ने मेहंदी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है. ऑब्वियसली हम लोग लगाते ही हैं मेहंदी अपने तीज फंक्शन में, तो वही सब यहाँ पर हो रहा है ताकि हमारे सारे बच्चियों को जो हमारे स्कूल में आती हैं पढ़ने के लिए उन्हें हमारे संस्कारों के बारे में भी पता चले, प्लस उसके साथ वो अपनी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी फॉलो कर पाएँ.